बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज मैं बनाऊंगी इफ्तारी में फालसे का शरबत। फालसे का शरबत बहुत ही मज़ेदार होता है, खट्टा मीठा होता है, तस्कीन देता है, दिल को ताकत देता है, इफ्तार के टाइम में बहुत अच्छा लगता है, भोजन पान नहीं करता, इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। आज मैं आपके सामने ये शरबत बनाऊँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं एक वो फालसा है इसके अंदर शामिल कर लूँ। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना बनाना है उतना बना सकते हैं। चीनी में हसबे जायका डालूंगी, वैसे अगर एक को फालसा तो इसके अंदर एक को चीनी चली जाती है। इसकी बहुत ही प्यारी रंगत होती है, कुदरती इसके अंदर रंग है, बहुत ही अच्छा लगता है। काला नमक शामिल करते हैं, अब मैं इसको पूनी रख के पून लूंगी। फालसे की छानी के साथ मैं अच्छी तरह पून लिया, देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह इसकी रंगत है। अब मैं इसके अंदर बर्फ डाल, ज्यादा ठंडा करेंगे, जितना ठंडा करेंगे उतना मजेदार होगा, अफ्तार करेंगे रोजा सुकून आ जाएगा, सारे रोजे की जो प्यास है सारी खत्म हो जाएगी, इतना मजेदार ये खट्टा मीठा शरबत होता है। आप आज ही बनाए बाजार से मंगवा के फालसा। अब ये शरबत तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है, आप भी बनाए बड़े मज़े से पिए। अल्लाह हाफ़िज़।